भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश भर में निकाली जा रही विकास यात्रा के माध्यम से आम जनमानस से मुलाकात कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। साथ ही ऐसे हितग्राही जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें तत्काल आवेदन के तहत प्रशासन के माध्यम से लाभ पहुँचाने का प्रयास भी चल रहा है। इसी कड़ी में आज वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विकास यात्रा नगर मुख्यालय में प्रवेश कर गई, जहाँ पर वार्ड नंबर 1 ज्योतिबा फुले चौक में सीमा पर माल्यार्पण के पश्चात विकास यात्रा विभिन्न वार्डों में निकाली गई। इस यात्रा में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने लोगों से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली और प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया। यात्रा में SDM तहसीलदार के अलावा CMO और भाजपा नेता निरंजन बिसेन, नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान, पार्षद ऋतु आलोक खरे, आशुतोष कोहार, सोनू जैन, पूर्व जनपद अध्यक्ष पुष्पा बिसेन, बंटी सेंद्रे, मनीष मिश्रा, योगेश व्यास, संगम देवगढ़े, शेख दानिश सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। यात्रा को लेकर वाराणसी से BGT संवाददाता मनीष हेड़ाऊ ने पूर्व विधायक से चर्चा की। नगर पालिका के पास कोई आय है क्या? वो प्रधानमंत्री आवास दे सकती है क्या? शौचालय दे सकती है क्या? आयुष्मान दे सकती है क्या? संबल का लाभ जनता को दे सकती है क्या? नहीं, तो ये लाभ तो सरकार दे रही है। और देखिए, पूरे मनोवेग से हम ये बोलते थे अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो जैसे ही अटल बिहारी जी की सरकार आई, 1 रुपये किलो का जो अनाज है वो भी देने का काम हमारी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर साहब, जितनी योजनाएं चल रही है, क्या लगता है कि ये जमीन स्तर पर प्रशासन इसको लागू करता है? समस्या का निराकरण विकास यात्रा के माध्यम से हो रहा है? देखो, अभी जो बात हमने देखी, हम विकास यात्रा में गए तो हमने पावती B1 की नकल और जितनी भी योजनाएं थी उनका लाभ जनता को दिया। और जब हमने मंच पे बुला के पूछा राजस्व विभाग का, हमने कहा ये पावती हम आपको दे रहे हैं, हमको बताओ आप किसी पटवारी को, किसी RI को, तहसीलदार को, SDM को 1 रुपया दिया क्या? बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में चल रही विकास यात्रा का आज ग्राम लेंडेझरी से होते हुए गर्रा में समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन, जिला महामंत्री मौसम हरिन खेड़े सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिला महामंत्री मौसम हरिन खेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 20 दिनों की इस विकास यात्रा के दौरान भाजपा के 1-1 कार्यकर्ताओं ने अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मिशन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस संपूर्ण यात्रा के दौरान लोगों में केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देने का कार्य भी भाजपा के समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। विकास यात्रा के समापन समारोह के दौरान मौसम हरिन खेड़े ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो और देश के नेतृत्व का साथ दे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, जनजातीय कार्य विभाग के क्षेत्र संयोजक एवं शाखा प्रभारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शासन द्वारा दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं आवास सहायता योजना के प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में छात्रवृत्ति और आवास योजना के स्वीकृत और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर के द्वारा MPPSC और UPPSC की कोचिंग कराए जाने के संबंध में प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि 26 फरवरी को कोचिंग के लिए युवाओं की चयन परीक्षा कराई जा रही है। इसकी जानकारी अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भी दे। इसके साथ ही महाविद्यालयीन संवर्गवार अध्यापकों को कोचिंग में अध्ययन कराए जाने के निर्देश दिए गए। छात्रवृत्ति के प्रकरणों की
समीक्षा के दौरान पाया गया कि पोर्टल पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र पेंडिंग है। इस पर कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि विगत वर्षों के लंबित आवेदनों को नियमानुसार सप्ताह भर के भीतर पूर्ण करे। इसके साथ ही आवास सहायता योजनाओं की समीक्षा में गलत दस्तावेज अपलोड पाए जाने पर भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है। कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ हफ्ते में, दो हफ्ते में, घंटे दो घंटे क्लास ले सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होंगे जो कि करना चाहेंगे, और एक हमारे लिए अच्छा रहेगा। इवन प्राइवेट कोचिंग वाले भी हमको अप्रोच कर रहे हैं, सर हम लोग जुड़ना चाहेंगे प्रशासन के साथ। तो बच्चों